जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, सुखी और समृद्धशाली होंगे। दोस्तों, हम महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह जिसमें हम अपने जीवन का आधा समय व्यतीत करते हैं। एक बार विवाह होने के पश्चात तो हमारा आधा समय रसोई घर में ही निकलता है, क्योंकि जो गृहिणी है वह पूरा समय अपना रसोई घर में ये इतनी तल्लीनता से कार्य करती हैं कि जो भी बनाती है बड़े मनोयोग से बनाती हैं। अपने पति के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अन्नपूर्णा का कार्य करती हैं। ये कहा जाता है जब हम भोजन बनाते हैं तो हमारे मन में हमेशा अच्छी भावनाएं चलना चाहिए और यह विचार रहना चाहिए कि हम भगवान का भोजन, भगवान का भोग बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, और प्रसाद रूप में ही उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो वाकई वो भोजन प्रसाद का रूप ही बन जाता है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होता है इस तरह से भोजन बनाया हुआ और इस तरीके से ग्रहण किया हुआ। लेकिन नहीं चाहते हुए भी हमसे अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं किचन में रहकर, रसोई घर में, जो हमारी बरकत पर जिसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हमसे कौन सी ऐसी अनजाने में गलती हो जाए और माँ अन्नपूर्णा हमसे रूठ जाए, हमारे घर की बरकत धीरे धीरे समाप्त हो जाए। इसलिए आज मैं जो इस वीडियो में बताने वाली हूँ, आप अवश्य ध्यान से सुने, पूरा शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें। यदि अच्छा लगे आपको तो लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके दोस्त, आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ भी गलतियाँ होती देखें तो अवश्य उससे ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातें हमेशा शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब कोई अच्छी चीज़ बनती है तो हम अंत में, जो महिलाएं होती हैं घर की, वही अंत में, जब आज तक महिलाओं का यही रवैया बना हुआ है कि जब घर के पूरे पुरुष खा लेते हैं, बच्चे भोजन कर लेते हैं, जब हम खाना खाने बैठते हैं, अंत में जितनी सब्जी बनी बची, थोड़ी सी बची, तो हम सोचते हैं क्यों नए सिरे से हम प्लेट करें और कढ़ाई में ही खाने बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। यदि आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि यह एक तरह से हमारी बरकत को समाप्त करता है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कढ़ाई और तवा हमारे लिए बहुत ही पूजनीय होता है, साथ ही चकले बेलन को भी हमें कभी मांजने वाले बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। जब आप खाना बनाते हैं तुरंत धो के रखें, उसकी सफाई का पूरा ध्यान रखें, उसे कभी गीला ना रखें। आप धो, जब धोते हैं उसे सुखा कर रखें और बिल्कुल अच्छी जगह एक स्थान बना लें आप और वहाँ रखें। साथ ही तवा और कढ़ाई के लिए हमेशा कहा जाता है उसे उल्टे भी नहीं रखना चाहिए और खुले में नहीं रखना चाहिए, किसी आने जाने वाले व्यक्ति की नज़र उस पर नहीं पड़ना चाहिए। कोशिश कीजिए, तवा तो आपको रात को माँज के रखना ही चाहिए, चाहे आपके यहाँ काम वाले भी लगे हों तो आप तवा साफ करके रखें और उल्टा ना रखें। साइड से ऐसे स्थान पर रखें, राइट हैंड पर रखें कि किसी को दिखाई ना दे। उसके लिए एक विशेष जगह कोई अंदर होनी चाहिए कि जिसमें आप तवा रख दें। कढ़ाई को भी आपको खुरचना नहीं चाहिए, नुकीली चीज़ें इन चीज़ों पर नहीं लगाना चाहिए। अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, आप जब रात्रि में भोजन बन गया आपका, सब कुछ कार्य हो गया, आप तवा साफ करके रख रहे हैं, ऐसे स्थान पर रख रहे हैं जहाँ किसी को नहीं दिखाई देगा, तो आप तवे को सीधा रखकर उस पर एक तेज पत्ता और तेज पत्ते पर एक लौंग रखें। सुबह जब आप उठें, सबसे पहले जाकर रसोई घर में स्टैंड साफ किया, किचन साफ किया, उसके बाद आप तेज पत्ते को और लौंग को वहाँ से उठा लें और किचन में जला दें। आप रोजाना कंटिन्यू, आप सप्ताह भर करके देखें, आप देखेंगे आपके घर में कोई भी परेशानी हो, स्वास्थ्य संबंधी, लक्ष्मी संबंधी, धन संबंधी, कोई भी समस्या हो, यदि ज़्यादा कलह होती हो या आपके परिवार का कोई बच्चा गलत लाइन में जा रहा है, तब भी आप ये कार्य करते हैं तो धीरे धीरे सभी समस्याएं आपकी सॉल्व होती जाती हैं। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बनने लगती है जिससे घर का माहौल ही बहुत सुखमय हो जाता है। जैसे मंदिर में पवित्रता होती है,
वैसी पवित्रता आपके घर में दिखाई देने लगती है। आपके यहाँ जो धन आता है वह भी आप ये मान के चलिए कि हमेशा ऐसा लगेगा आपको कि पवित्र, कहीं गलत जगह पर वो धन नहीं खर्च होगा। आप अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाएंगे, आपके घर में से कोई कोर्ट कचहरी वाला काम नहीं होएगा। आप यह कार्य करते हैं तो आप करके देखिए, आप एक सप्ताह करिए, आपको लगता है रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप एक सप्ताह बीच में छोड़ सकते हैं, फिर एक सप्ताह कीजिए, फिर एक सप्ताह छोड़ दीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। साथ ही आप महिला हैं, आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पीरियड्स में हम क्या करेंगे, पीरियड्स में आपको ये कार्य नहीं करना, क्योंकि लक्ष्मी जी को आमंत्रित करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में रखने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, तो आप पीरियड्स में ये कार्य नहीं कर सकते हैं। पीरियड्स में तो आपको तवा और कढ़ाई छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोष होता है एक तरह का, ये हमारे घर की अन्नपूर्णा होती है। हमारे घर की सबसे ज़्यादा पवित्र जगह होती है किचन और मंदिर। आप रसोई घर में मंदिर भी ना बनाएं। आप एक कृष्ण जी की माखन खाते, कृष्ण जी के आपको ऐसा लगता है कि मैं किचन में रखूं तो, क्योंकि कान्हा जी के यदि माखन खाती हुई फोटो लगाते हैं तो उसका दोष नहीं रहता बल्कि अच्छा रहता है, वो आपके यहाँ एक रिद्धि सिद्धि लेके आते हैं, एक अन्नपूर्णा का निवास होता है। लेकिन आप पूरा मंदिर अपने किचन में ना रखें, एक दोष होता है इसका। साथ ही नमक के बारे में बहुत ही किचन से संबंधी बात चल रही है और नमक की बात नहीं की जाए तो अच्छा नहीं है। नमक, नमक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका, सिर्फ खाने में स्वाद ही नहीं लाता, हमारे जीवन को भी बहुत अभूतपूर्व एक दिशा दिखाता है। आपको लगता है कोई व्यक्ति गलत है तो आप कोशिश कीजिए कि उसके यहाँ का नमक आप ना खाएं। आप नमक किसी को उधार भी ना दें और ले भी नहीं, दान दे सकते हैं आप, दान भी कि पूरा पैकेट दे दिया, किसी ज़रूरतमंद को दे दिया वो चलता है, लेकिन आप ऐसे ही कटोरी में नमक किसी को नहीं दें। आप किसी की हथेली में, किसी को यदि कोई भोजन करने बैठा हुआ है उसे आप हथेली में नमक कभी ना दें, ये बहुत ही गलत होता है, ऐसे में संबंध खराब होने के पूरे पूरे अंदेशे होते हैं। साथ ही यदि आपके खाना खाते समय या खाना बनाते समय आपके यहाँ से या परिवार के किसी मेंबर से यदि नमक गिर जाता है तो आप कोशिश कीजिए उस पर लात ना रखें, पैर ना रखें, आप उस पर जल से थोड़ा सा लगा कर डालकर पोछा लगा दीजिए, क्योंकि नमक हमारे किचन की बहुत ही पवित्र चीज़ होती है। एक स्वाद के दृष्टिकोण से ना देखें, यदि देखें तो बहुत ही अलग पवित्रता होती है। आप हल्दी के लिए भी बहुत मन में सकारात्मक बातें रखें, वह भी हमारे लिए पूजनीय होती है। आप किचन में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी हर तरह की समस्या सॉल्व होने लगेगी। जो मैंने तेज पत्ते और लौंग का उपाय बताया है आप अवश्य करके देखें, एक वीक करके देखें और श्रद्धा और विश्वास रखें। आप देखना, आप छोटे छोटे से कुछ उपाय जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ, जो जानकारियाँ देती हूँ, उसे आप करके अवश्य देखें, आप पर और आपके पूरे परिवार पर। भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, मां अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।